प्रयास दर दर भटकने लगे। भगवान कब मिलोगे, कब मिलोगे प्रभु, किस ओर चल दिए हैं, किस ओर को जाते जाते जग में भटक गए हैं तेरे दर पे आते आते। कृपा करो भगवान, दर्शन दो भगवान। परंतु प्रभु श्री राम अयोध्यापति राम से भेंट करना इतना भी सरल नहीं। श्री राम की भक्ति की चाह में कई दिन बीते, कई सप्ताह बीते, महीने बीतते बीतते वर्ष बीतते चले गए। तुलसीदास जी ने हरि को, अपने आराध्य को पाने के लिए वैराग्य धारण कर लिया। सारे मोह माया क्रोध काम को त्याग दिया। अपने आराध्य को स्मरण करते करते हनुमान चालीसा जैसे महाकाव्य की रचना की। तुलसीदास जी ने भक्तों के बीच बैठकर राम कथा का प्रचार शुरू किया, क्योंकि वे स्वयं को भूलकर प्रभु श्री राम को पा लेना चाहते थे। और इसी चाह में वे जगह जगह घूमते हुए भजन कीर्तन करते हुए भ्रमण करने लगे। तुलसीदास के भजन कीर्तन में एक विशेष बात यह थी कि वे जिस ओर से, जिस मार्ग से भी भजन करते हुए गुजरते थे, फिर चाहे वो जलमार्ग हो, स्थल हो या जंगल ही क्यों ना हो, हर प्राणी उनके साथ श्री राम नाम के भजन में लीन हो जाया करता। नर नारी पशु पक्षी समेत हर कोई उनकी राम कथा सुनकर नाचने लगता था। मही एक सुबह, हर दिन की तरह जैसे ही तुलसीदास जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, उनका ध्यान अचानक से एक जगह पर आकर ठहर गया, क्योंकि जंगल का एक कोना बाकी के पूरे जंगल से बिल्कुल ही अलग नजर आ रहा था। क्योंकि बाकी जंगल की तुलना में केवल यह स्थान सूखा एवं शुष्क दिखाई दे रहा था। मही उस सूखे हुए स्थान पर जाते ही तुलसीदास जी को एक वट वृक्ष नजर आया। ये वृक्ष अपनी जीर्ण शीर्ण स्थिति में था। उस वट वृक्ष की ना कोई मजबूत शाखा है, ना ही कोई टहनी, और ना ही कोई हरा पत्ता उस पर दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक अधमरा वृक्ष है जो कभी भी अपना अस्तित्व खो सकता है। तभी तुलसीदास जी ने इस वट वृक्ष की ओर देखते हुए एक प्रश्न किया, हे श्री राम, आपके होते हुए ऐसा इस वृक्ष के साथ कैसे संभव है प्रभु? आप तो कण कण में विराजमान हैं, चाहे सजीव हो या निर्जीव, आप तो प्रत्येक के हृदय में निवास करते हैं। उसी प्रकार इस वृक्ष में भी तो आपका वास होना चाहिए। आपके होने से इस वृक्ष की ऐसी दुर्दशा नहीं हो सकती प्रभु। इतना कहते ही तुलसीदास जी अपनी नजरें जंगल में चारों ओर घुमाने लगते हैं, ताकि उन्हें इस वृक्ष को जल देने के लिए कोई जल स्रोत मिल जाए। पर उन्हें वहां आसपास तो क्या, दूर दूर तक कहीं भी जल का स्रोत नजर नहीं आता। फिर वो वृक्ष के समक्ष जाकर प्रार्थना करते हुए कहते हैं, प्रभु हमें यहां कहीं जल नहीं मिला, लेकिन मैं पुनः कल आकर अपने इस कमंडल से आपको जल अर्पित करूंगा। इतना कहकर वे अपने दुखी मन से वहां से आगे चल पड़े। मही अगले दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी अपने वचन के अनुसार तांबे के कमंडल में जल लेकर आए और उसी सूखे हुए वट वृक्ष पर उन्होंने जल अर्पित कर दिया। और जल देते हुए उन्होंने प्रभु श्री राम से याचना की, प्रभु मेरी आपसे विनती है कि यह वट वृक्ष पुनः जीवित हो उठे, इसमें जीवन का संचय हो, इसमें फल फूल फूले, ये निर्जीव से सजीव हो उठे। कृपा करो प्रभु, कृपा करो। और इसी तरह से तुलसीदास जी स्वयं प्यासे रहकर प्रतिदिन उस वट वृक्ष को जल पिलाते रहे। ये प्रक्रिया कई दिवस तक निरंतर बिना किसी रुकावट के चलती रही। और एक दिन प्रातःकाल जैसे ही तुलसीदास अपने आराध्य से भेंट करने भावावेश में निकले, उस क्षण तुलसीदास जी की प्रभु श्री राम के दर्शन को बेचैन आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और वे सूरदास जी के भजन का गान कर रहे थे।
हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देख्यो चाहत कमल नैन को निस्दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। तुलसीदास की आंखों से अभी अश्रुधारा बही ही थी कि उन्होंने सामने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उनके सामने वही वटवृक्ष समृद्ध नजर आ रहा था। उस पेड़ की पूरी तरह से काया पलट हो चुकी थी। तुलसीदास अपने आश्चर्य मिश्रित आंखों के साथ उस वटवृक्ष के सामने जाकर खड़े हो गए। उनकी आंखों से अनगढ़ आंसू बहने लगे, क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वे राम भजन करते हुए प्रभु श्री राम का यशगान करने लगते हैं। प्रभु, आपने तो इस वट वृक्ष की पूरी काया पलट कर दी। आपकी कृपा से कुछ भी संभव है। प्रभु श्री राम, आप चाहें तो नगण्य को भी गण्य बना सकते हैं प्रभु। और इतना कहकर तुलसीदास जी पुनः प्रभु श्री राम नाम का जाप करने लगते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तभी अचानक से वहां जंगल में जोरों की हवा चलने लगती है। तुलसीदास राम भजन में इतने मग्न हो चुके होते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां तेज हवा के साथ साथ किसी के हंसने की अट्टहास सुनाई देने लगती है, और ये ध्वनि वहां जंगल के उस निर्जन माहौल में गूंजने लगती है। और फिर देखते ही देखते उस वट वृक्ष पर एक विचित्र सी आकृति तुलसीदास को नजर आने लगती है, जैसे कि यह किसी एक इंसान की आकृति हो, लेकिन वो इंसान होकर भी संपूर्ण इंसान ना हो, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर टहनियां ही टहनियां नजर आ रही हैं, और वो इंसान उस वट वृक्ष के साथ जकड़ा हुआ है। और तुलसीदास उस विचित्र से व्यक्ति को देखकर आश्चर्य से कहते हैं, आप कौन हो और यहां ऐसी अवस्था में क्या कर रहे हैं? उस आकृति ने तुलसीदास के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मैं इस वट वृक्ष का प्रेत हूं तुलसीदास, और आपने मुझे मेरे बंधन से मुक्त किया है। आप मुझसे जो चाहो मांग लो। तुलसीदास ने जब वट वृक्ष के प्रेत से यह सुना तो तुलसीदास जी ने उस प्रेत से अपनी सबसे गहरी इच्छा मांग ली, अपने आराध्य से मिलने की चाहना। तुलसीदास ने प्रेत से कहा, हमें प्रभु श्री राम से भेंट करवा दो। प्रेत ने चौंकते हुए कहा, प्रभु श्री राम से भेंट? परंतु यह कार्य तो केवल हनुमान चंद्र जी ही करवा सकते हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी झटपट बोल पड़े, तो ठीक है, आप हमें हनुमान जी से ही मिलवा दो। पर तुलसीदास की यह इच्छा सुनकर वो वट वृक्ष का प्रेत भी तुलसीदास पर हंस पड़ा। और प्रेत ने हंसते हुए कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं तुलसीदास? आपने ही तो स्वयं हनुमान चालीसा में लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपके द्वारा लिखी इस चौपाई को केवल बोलने मात्र से ही मेरा शरीर कांपने लगा है, तो फिर मैं हनुमान जी से कैसे मिलवा सकता हूं आपको, क्योंकि मैं तो स्वयं एक प्रेत हूं। उसके बाद प्रेत ने कुछ सोचते हुए तुलसीदास से कहा, मैं एक काम कर सकता हूं, मैं आपको हनुमान जी का पता बता सकता हूं कि वो आपको कहां मिलेंगे। तुलसीदास जी ने व्यग्र होकर पूछा, तो ठीक है, आप हमें उनका पता ही बता दो। प्रेत ने कहा, तो फिर सुनिए तुलसीदास जी, हनुमान जी का पता गंगा किनारे काशी में राम कथा का पाठ चल रहा होगा, वहीं हनुमान जी अपना भेष बदल कर आते हैं और वहां राम कथा सुनते हैं। आपको उन्हें स्वयं ढूंढना होगा और श्रोताओं के बीच हनुमान जी को पहचानना होगा। परंतु वहां पहुंचकर आपको एक विशेष बात का ध्यान भी रखना होगा। तुलसीदास जी ने उस प्रेत से उस विशेष बात का वचन देते हुए कहा,
अवश्य मैं प्रभु श्री राम से मिलने के लिए मुस्